किसान भाइयों नमस्कार। इस वर्ष किसान मेले में हम लोगों ने आपको 3 बासमती धान की नई प्रजातियां मुहैया कराई थी। इनमें से पहली किस्म थी पूसा बासमती 1847, जो कि 1509 का सुधार करके बनाई गई थी, और दूसरी किस्म थी पूसा बासमती 1885, जो कि 1121 का सुधार करके बनाई गई थी, और तीसरी किस्म पूसा बासमती 1886, जो 1401 का सुधार करके बनाई गई थी। सुधार क्या किया गया था आप जानते हैं। इन तीनों किस्मों में पत्ती के झुलसा रोग, जिसको हम बैक्टीरियल ब्लाइट कहते हैं, और झोंका रोग यानी कि ब्लास्ट की बीमारी के लिए रोगरोधी क्षमता का विकास किया गया था। इन किस्मों में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, जिसका प्रयोग हम पत्ती का झुलसा रोग नियंत्रण करने के लिए करते हैं, और ट्राईसाइक्लाजोल या अन्य फफूदनाशी दवाएं, जिसका नियंत्रण हम ब्लास्ट की बीमारी के नियंत्रण के लिए करते हैं, उसको डालने की आवश्यकता नहीं होती है। लगातार मैं किसान भाइयों से जुड़ा हुआ हूं। बीज हम लोगों ने बहुत सीमित मात्रा में आपको दिया था, 1-1 किलोग्राम का बीज पैकेट बना करके दिया था इन किस्मों का, और आपसे अनुरोध किया था कि जब ये नई किस्म आप लगाएं तो इसके साथ ही साथ जो इसकी पैरेंट किस्म है, जिससे ये निकाली गई है, उसको भी साथ में लगाएं। कई किसान भाइयों से हमारी बात लगातार हो रही है और उनसे बहुत अच्छे समाचार हमको मिल रहे हैं, ये किस्में बहुत अच्छा कर रही हैं। इसी संदर्भ में हमारे पास 2 छोटे छोटे वीडियो आए हैं, जिसमें एक किसान हरप्रीत जी हैं, जो कि जिला संगरूर के रहने वाले हैं, उन्होंने 1847 को 1.5 एकड़ में लगाया था, और एक और किसान हमारे पास हैं मालिक सिंह, जो कि जींद के रहने वाले हैं। तो इन दोनों लोगों ने अपना अनुभव पूसा बासमती 1847 के बारे में साझा किया है। मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग ये दोनों वीडियो देखें, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी इन सभी किस्मों के परिणाम अच्छे मिल रहे होंगे। डैटी पूसा 1847 ये हमारे खेत में 1.5 एकड़ में लगी हुई है, डिस्ट्रिक्ट संगरूर विलेज कमालपुर में। इसका बीज भी हमें पूसा यूनिवर्सिटी द्वारा प्राप्त हुआ था। एक स्प्रे हमने ब्राउन प्लांट होपर की पैक्सालोन 1 स्प्रे की है, और इसमें हमने कोई भी स्प्रे और नहीं की। इसमें नेक ब्लास्ट की समस्या बिल्कुल भी नहीं आई, और हम कह सकते हैं एक शानदार वैरायटी है। मेरा नाम मालिक सिंह है जी, जिला जींदर गांव पिपलथा है जी। जो आपको ये वैरायटी दिखा रहे हैं जी, ये 1847 जी, इतनी बढ़िया वैरायटी है जी, मेरे ख्याल से ये तहलका मचा देगी जी। ये वैरायटी जी 1847 जी, देखो इसका बल्ली का साइज देखो पहले आप, इसका क्या साइज है बल्ली का जी, पूरा सहज है बल्ली का जी। और खास बात इसमें ये है, अभी तक इसमें कोई भी ब्लास्ट नहीं आया जी, अभी तक जी एक भी ब्लास्ट, और बकानी रोग भी नहीं आया इसमें जी। और आप ये देख सकते हो जी, या आपको दिखाई देते हैं जी, खुद तना देखो इसका जी, कितना मजबूत तना है जी, देखो जी, और बिल्कुल साफ पड़ी है जी, बिल्कुल इसमें कोई स्प्रे नहीं करी जी, और इसमें गिरने की समस्या भी नहीं है जी। ये देखो जी, बिल्कुल कद जो हाइट है बिल्कुल छोटी है जिसकी जी, और ये 1847 वैरायटी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है जी, आने वाले दिनों में बहुत कामयाब होगी।